हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आज मार्केट से नया मल्टीमीटर खरीद कर लाया हूँ। यह मल्टीमीटर मुझे 150 रुपये का मिला है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस मल्टीमीटर को आपको यूज करके दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। देखिए, इसके साथ एक पेपर भी है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस मल्टीमीटर का प्राइस काफ़ी कम है। अब हम इस मल्टीमीटर को यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह मल्टीमीटर कैसा है और कितने दिन तक चलता है। देखिए दोस्तों, इसका केबल जो है वो भी शानदार लग रहा है, लेकिन यूज करेंगे तभी हम इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पहली बार इस कंपनी का मल्टीमीटर खरीदा है। इसमें का जो ब्लैक वाला केबल है वह माइनस का है और रेड वाला केबल प्लस का है दोस्तों। तो हमें माइनस वाले केबल को माइनस के पिन में लगाना है और प्लस वाले केबल को प्लस के पिन में लगाना है। तो चलिए, मैं ब्लैक वाले केबल को माइनस पिन में लगा देता हूँ और रेड वाले केबल को प्लस पिन में लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं इस मल्टीमीटर से आपको बैटरी को चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास 9 वोल्ट का बैटरी है। तो मैं मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लेता हूँ और इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो प्लस वाले पिन को हमें प्लस में लगाना है और माइनस वाले पिन को हमें माइनस में लगाना है। देखिए दोस्तों, इस बैटरी का जो वोल्ट है वह 7.91 आ रहा है। इसका मतलब यह बैटरी डाउन हो चुका है। तो मैं एक दूसरा बैटरी ले लेता हूं और इसे चेक करके आपको दिखाता हूं। देखिए, इस बैटरी का जो वोल्ट है वह 8.95 है। इसका मतलब यह बिल्कुल ओके है। अब चलिए, मैं इस नया वाला बैटरी को आपको चेक करके दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस बैटरी का जो वोल्ट है वह 1.57 है। अब चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। इस तरह से दोनों पिन को शॉर्ट कर देना है। जब 00 आएगा तो इसका मतलब हमारा कंटिन्यूटी सही होगा। अब चलिए, मैं इस 12 वोल्ट के बल्ब का कंटिन्यूटी चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से प्लस वाले पिन को प्लस में लगाना है और माइनस वाले पिन को माइनस में लगाना है। तो इसका जो कंटिन्यूटी है वह 001 आ रहा है। इसका मतलब यह बल्ब ओके है। अब मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर ले आता हूँ और आपको रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यह रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम का है। वैसे तो हम इसके कलर कोड से भी पता कर सकते हैं कि यह रेजिस्टेंस कितने किलो ओम का है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पुराना होगा तो हमें मल्टीमीटर से ही इसे चेक करना होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।